बस बाइक की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं मिस्टर टॉक मोबाइल का ब्यूटी पार्लर एंड गैजेट बार, एड्रेस रजवन का पुल नियर हनुमान चौक मेरा। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं fastbike.tv। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, जो मैं होती राजा बन के कोयलिया महक रहती राजा तोरे बंगले पर। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। सदाबहार हीरो देवानंद व नलिनी जयंत पर फिल्माया गया इस गीत ने उस जमाने पर खासी सुर्खियां बटोरी थी। यह गाना आज भी जब बजता है तो दिल भाग भाग कर उठता है। लेकिन मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने संसद में इन बंगलों पर ही नजर लगा दी है। उनका कहना है कि कई एकड़ में फैले बंगलों में रहने के कारण ये लोग जनता के सेवक होने के बजाय जनता के अहंकारी मालिक हो गए हैं। इन बंगलों की व्यवस्था से सामंतीवाद की बू आती है। वहीं हाल ही में अमेठी के DM प्रशांत कुमार शर्मा के व्यवहार के कारण योगी सरकार को खासी किरकिरी का सामना करना पड़ा था। और अब देवरिया के DM का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक व्यापारी को थप्पड़ मारते हुए उसके बाद उनके साथ मौजूद पुलिस व्यापारियों पर टूटते दिखाई दे रही है। यह विवाद पार्किंग के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पहले बात करते हैं नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। हाल ही में मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने ऐसा मामला उठा दिया जिसने ब्यूरोक्रेसी को परेशानी व सोचने स्थिति में ला दिया। हालात न उगले और ना ही निगलने जैसे बन गए हैं। आइए देखते हैं संसद में क्या कहा है सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने। सभापति जी, महोदय, देश को आजाद हुए 72 वर्ष से अधिक हो गए, परंतु आज भी हमारी अनेक व्यवस्थाएं सामंती युग का स्मरण कराती हैं। जिला तथा मंडल मुख्यालयों पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के आवास इसके उदाहरण हैं। अनेक स्थानों पर ये आवास कई एकड़ में फैले हैं, इनमें खेती भी होती है। इस खेती तथा अन्य कार्यों को करने के लिए राजकोष से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी सेवा में रहते हैं, जिनकी संख्या 20-25 अथवा अधिक भी होती है। ये कर्मचारी रजिस्ट्रों में अपने अपने कार्यालयों में कार्यरत दिखाए जाते हैं, परंतु वास्तव में इन अधिकारियों के आवासों पर कार्य करते हैं। खेती की आमदनी पर बेशक उस आवास में रहने वाले अधिकारी की निजी स्वामित्व होता है। उपरोक्त प्रकार के बंगले तथा वहाँ की राजसी व्यवस्थाएं, जहाँ एक और इन अधिकारियों को जनता की सेवक के स्थान पर जनता का अहंकारी मालिक बनाती हैं, वहीं आम आदमी अपनी व्यथा इनके सामने रखने का साहस भी नहीं जुटा पाता। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के आवास तथा वहाँ की व्यवस्थाओं के संबंध में ऐसे मानक निर्धारित किए जाएं तथा ऐसे नियम बनाए जाएं जो लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप हो। नौकरशाह, यदि इस एक शब्द को परिभाषित करें तो समझ में आता है कि ऐसा सिस्टम जो जनता का सेवक यानी नौकर होते हुए खुद को शाह समझे। ऐसा हम नहीं, बल्कि नौकरशाही की परिभाषा में साफ लिखा है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल का यह दर्द कहीं ना कहीं इसी नौकरशाही की ओर इशारा करता है, जिस नौकरशाह के मिलने के लिए भी बकायदा इजाजत लेनी हुए उसका मूड देखना जरूरी होता है। आइए इसकी एक बानगी देखते हैं अमेठी जिले के तत्कालीन DM प्रशांत शर्मा के रूप में। एक ईंट व्यवसायी सोनू सिंह की हत्या के बाद पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जिले के DM प्रशांत कुमार आपक हो गए और मृतक के PCS भाई का कॉलर पकड़कर उसे डांटने लगे। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें ट्वीट कर सलाह दी कि हम जनता के सेवक हैं, शासक नहीं। स्मृति ने DM अमेठी को संवेदनशील व विनयशील बनने की सलाह दी है। आइए देखते हैं वह वीडियो। सबसे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ खड़ा है, कितने सारे लोग खड़े हैं, क्या आपको पता है कि उस आदमी से करता है कि नहीं? पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? नौकरशाह के इस रूप के सामने आने पर योगी सरकार की खासी किरकिरी हुई, जिस पर योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए प्रशांत शर्मा को अमेठी से हटा दिया था। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि अब देवरिया के DM अमित कुमार का वीडियो सामने आ गया। इसमें DM अमित एक आदमी को पार्किंग स्थल पर लाते हुए बाद में थप्पड़ मारते साफ नजर आ रहे हैं। DM किसी को थप्पड़ मारे और साथ वाले पुलिसकर्मी देखते रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिहाजा उन्होंने भी व्यापारी संदीप जायसवाल पर बहती गंगा में हाथ धो डाले। आइए देखते हैं वायरल वीडियो। जानकारी में आया है कि इस मारपीट के बाद संदीप जायसवाल से डंडे के बल पर माफीनामा भी लिखवा लिया गया है। यह भी दिखाई दे रहा है कि DM ने थप्पड़ जड़ते हुए काफी एहतियात बरती,
बाहर के बजाय संदीप को अंदर ले आए, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी की गिरफ्त में आ गए। नौकर शाहों का आम लोगों से व्यवहार कहीं ना कहीं सांसद राजेंद्र अग्रवाल के दुख को जरूर रेखांकित करता है। बनी रहेगी हमारी ऐसी खबरों पर नजर, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट इन। नमस्कार।